भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों को विद्यासागर एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज हम अभी जो पीटीआई भर्ती परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित हुआ 4:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं। वैसे तो बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की जो है वही मान्य होगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको थोड़ा सा सही कर पाऊं, आपको कुछ ना कुछ हौसला दे पाऊं। तो इसमें 8, 10, 5, 7 प्रश्न जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। मेरे अनुसार जो उत्तर बनते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गति का उत्तोलक कहलाता है? ध्यान रखें, बल का उत्तोलक और गति के उत्तोलक में अंतर होता है। बल का तो है सेकंड क्लास, लेकिन गति का पूछा है तो थर्ड क्लास आएगा। तो थर्ड क्लास लीवर जो है गति का उत्तोलक कहलाता है, थर्ड क्लास लीवर। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी, थर्ड क्लास लीवर। आवाज आप तक स्पष्ट है, बोर्ड अच्छे से नजर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, थोड़ा जूम करना है। ठीक है, अब स्पष्ट है आप तक। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है? देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जो है उसको कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है, कहने का मतलब जो है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो मूलभूत नींव है शारीरिक शिक्षा की, तो इसमें आएगा ए। जल्दी से नेक्स्ट, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? देखिए, एशियाई खेलों का आयोजन जो है ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, जिसका मुख्यालय हवाली कुवैत में है 1982, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। इसका सही आंसर है डी, OCA। एशियाई खेलों को रेगुलेट करती है OCA। नेक्स्ट पर्सन, एक बालक या बालिका के शरीर रचनात्मक संबंधी आयु का पता लगता है। शरीर रचनात्मक संबंधी आयु जो है वो आपको पता है कि या तो अपने एक्सरे से या दांतों को गिन करके, तो कंकाल की एक्सरे किरणों के द्वारा या दांतों को गिन करके, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कंकाल की एक्सरे किरणों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज आरंभ की थी? ध्यान रखें, YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन 1920, मद्रास चेन्नई में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है, रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है। देखिए, रशिया जो है वो शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति के रूप में जानता है, आपको भी पता है। ए उत्तर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट पर्सन, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, आंतरिक उपयोग से, आंसर सी। नेक्स्ट, कठोनिषपाद के अनुसार योग है, ध्यान रखें, यह थोड़ा सा संशय वाला प्रश्न है, यह थोड़ा सा संशय वाला प्रश्न है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूं, इसका मुझे थोड़ा संशय लग रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी, शरीर व दिमाग का जो नियंत्रण है वो। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, भंग हुए कंधे का प्राथमिक उपचार है। देखिए, कोई भी अंग अगर भंग हो जाता है तो उस अंग को क्या करना है, आपको स्टेबिलाइजेशन करना है, यानी कि स्थिरीकरण करना है, उसे रोक देना है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या होगी 11?
तो 11 गुना 10 110 बट्टा 2 करेंगे तो आ जाएंगे अपने पास 55 मैच, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक शिविर एक सर्वोत्तम क्रिया है विकसित करने के लिए, किस चीज को विकसित करने की ये सर्वोत्तम क्रिया है, तो ध्यान रखें शिविर में क्या होता है, प्राकृतिक जगह पे अपने जाते हैं, प्राकृतिक से जुड़ने का ये अपने कार्य करता है, तो प्रकृति से संपर्क विकसित करते हैं अपने, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उससे आप क्या करें, जीवन को बचाएं, तो इसमें बेहतर ऑप्शन था जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना, ऑप्शन सी, यानी इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तानपाद आसन करने की अवस्था या मुद्रा है, उत्तानपाद आसन करने की यानी कि पैरों को ऊपर की ओर उठाने वाली आसन या मुद्रा की बात कर रहा है उत्तानपाद आसन, तो यह क्या है, लेटकर पीठ का सहारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अष्टांग योग का भाग है, देखिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग के भाग है, इन सब में एक ही ऑप्शन बनता है क्या, आसन ए। नेक्स्ट, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है, देखिए रक्तचाप में देखिए आराम करोगे, अगर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, आराम अगर आप करोगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो सेट हो जाएगा, शवासन, आराम का आसन निम्न में से कौन सा है, शवासन यानी कि सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल का आविष्कार जिगारो कानो, जूडो से जिगारो कानो 1882, जूडो से जैसे जूडो जैसे जापान जैसे जिगारो कानो, याद रखें जूडो सी। नेक्स्ट, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी, ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविक जोन, ऑप्शन डी फ्रेडरिक लुडविक जोन। नेक्स्ट, अग्रकुब्जता यानी कि लोडोसिस की बात कर रहा है, अस्थि विकृतता में बात कर रहा है, अग्रकुब्जता जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि होलो बैक, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि लोडोसिस जब होती है तो पीठ जो है वो क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, राउंड बैक जो है वो काइफोसिस का है ध्यान रखें, और एस कर्व जो है वो स्कोलियोसिस का है, फ्लैट बैक जो है वो इसमें आता नहीं है, तो इसमें आएगा होलो बैक यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करें, बास्केटबॉल कोर्ट का माप होता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 28x15 मीटर, ध्यान रखें 28x15 फिट भी दिया हुआ था, ऑप्शन ए। बास्केटबॉल अपना राज्य खेल है, 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया बास्केटबॉल को, राजस्थान का राज्य खेल, और बास्केटबॉल का एक प्रश्न हर हाल में बनता ही बनता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की कितनी मात्रा होती है, ध्यान रखें स्वर्ण की शुद्ध मात्रा जो होती है 6 ग्राम होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वर्ण की शुद्ध मात्रा तो होती है 6 ग्राम, 92.5% स्वर्ण में शुद्धता यानी कि जिसको अपने बोलते प्योरिटी होती है, यानी कि ये जो सोना होता है उसकी प्योरिटी कितनी, 92.5% होती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट पर्सन, उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है, देखिए लो ऑफ इंटेंसिटी यानी कि प्रबलता का नियम, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दुग्ध व दुग्ध पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है, ध्यान रखें कैल्शियम जो है वो दूध में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व सी कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था, स्टीमियन खेलों में ऑप्शन में एक अलग सा ऑप्शन है जो भिन्नता लिए हुए है, प्राचीन समय में जो है नाव चलाना नाव खेना जो है वो स्टीमियन में नहीं था, नाव चलाना या नाव खेना डी। नेक्स्ट,
पेन होल्ड ग्रिप जो है किससे है? देखिए क्रिकेट और हॉकी तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन टेबल टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा, सी टेबल टेनिस। नेक्स्ट आता है एथेंस में टोक्सोटेस किसे कहा जाता था? तो टोक्सोटेस जो है वो तीरंदाज का जो शिक्षक है उसे कहा जाता था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 प्रश्न का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26, क्या परिवर्तन करना असंभव है जब शरीर जो है हवा में होता है? अब ध्यान रखें, बात कर रहा है शरीर जब हवा में होता है तो आप शरीर का आकार नहीं बदल सकते, शरीर का आकार बदल सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं, भार शरीर की गति बदल सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते तो क्या द्रव्यमान नहीं बदल सकते? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द्रव्यमान नहीं बदला जा सकता, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, व्यक्ति की वह क्षमता जिसमें थकान की स्थिति में भी लगातार कार्य करता रहता है कहलाता है। देखिए किसी भी काम को आप कर रहे हो, ताने लोगों के आपने सुने कि ये सक्सेस नहीं हो रहा, उस तानों का जवाब आप दोगे, लेकिन आपने उसको क्या है सहनशीलता के द्वारा उसको झेला है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका डी सहनशीलता, यानी कि आप क्या है लगातार उस काम को बनाए हुए हैं, थकान के साथ भी थकान के बाद भी गुस्सा तो आता था लेकिन फिर भी आप उनकी सुनते थे, जवाब वक्त देगा, अब देगा, अपना वक्त आया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2015 से शुरुआत हुई थी, 8वां योग दिवस इस बार मनाया गया, 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावी अवधिकालीनता के लिए मुख्य विचार किस पर होना चाहिए, प्रभावी अवधिकालीनता के लिए मुख्य विचार किस पर होना चाहिए? देखिए इसका बेहतर आंसर है कौशल विकास पर, कौशल विकास पर। नेक्स्ट, बड़ी संख्या में छात्रों को नियंत्रित किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता थी अंग्रेजी में, ये देखिए अज्ञा विधि जो है इसको थोड़ा सा आप हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आ रहा, इसको अगर बात करें कमांड के हिसाब से तो कमांड यानी आदेशित विधि जिसमें कमांड दी जा सके, तो कमांड विधि जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, कमांड विधि जो है वो इसका उत्तर है। नेक्स्ट, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, आगा खां कप। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। अब देखिए मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है जिसको शारीरिक शिक्षा से एड करके दर्शाया गया है, तो ये आपको पता है कि मनोविज्ञान क्या कर रहा है, सिखाने पर बल दे रहा है, लेकिन सीखने से क्या हो रहा है व्यवहार में बदलाव परिवर्तन, तो यहां पर बेहतर उत्तर आएगा बी, यह व्यवहार को बदलती है। अपने खेल के हिसाब से देखें तो मनोविज्ञान इसलिए बताया जाता है कि आपका व्यवहार जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न पर, 1947 में भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य कौन था? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य देखिए दुराबजी टाटा भी रहे हैं, जीडी सोंदी भी रहे हैं, भालेंद्र सिंह भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछ लिया 1947 में, तो 1947 में ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा भालेंद्र सिंह। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन स्थित है, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन जो है नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद में आता है हेपेटाइटिस बी जो है वो किसका संक्रमण है? तो हेपेटाइटिस बी जो है आपका लीवर का, यानी कि ऑप्शन बी लीवर का संक्रमण है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है, कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस दिशा में लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद में बात कर रहा है स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? देखिए स्पाइनोग्राफ जो है स्कोलियोसिस मापने का यंत्र है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उसके बाद में बात करते हैं सुपर कंपनसेशन, ये देखिए थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए शब्द था, अंग्रेजी का शब्द हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया, यही इंग्लिश में और यही लिख दिया इसको
हिंदी में सुपर कंपनसेशन। देखिए ये सेकंड विंड यानी द्वितीयक श्वास से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो मनोविज्ञान शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का ही है भैया, ग्रीक या ग्रीस भाषा जिसको अपने बोल दें, ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बहुत ही इजी प्रश्न है, जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कह रहा है वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक हैं, देखिए वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक, देखिए वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, लेकिन आप ज्यादा किस पर जाओगे, अनुवांशिकता पर जाओगे, अनुवांशिकता जो है यानी डीएनए बोलता है भैया, अनुवांशिकता इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है, देखिए अनुवांशिकता के कारण ही अपने अपने माता पिता है उसके गुण जो हैं अपने से मिलते जुलते हैं, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ए अनुवांशिकता। नेक्स्ट पुशअप्स किसका उदाहरण है, देखिए पुशअप्स जो है वो किसका उदाहरण है, सेकंड क्लास उत्तोलक का, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पुशअप्स जब अपने करते हैं तो पुशअप्स करते समय अपना शरीर जो है वो अक्ष जो बनाता है वो जमीन के साथ बनाता है, पैरों का जो अक्ष बनता है वो जमीन के साथ बनता है। नेक्स्ट इसमें से गामक दक्षता एवाईवीए नहीं है, देखिए ये कह रहा है कि ऐसी जो एवाईवीए नहीं है ठीक है, और बाकी सारी वाईवीए है, यानी गति जो है इसको धीमा कर दें तो आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, लचीलापन या चपलता जो है उसमें ऑक्सीजन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको शक्ति लगानी है उस समय आपको क्या ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है, देखिए ज्यूरिख में है भैया, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, अभी कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, महत्वपूर्ण है, फुटबॉल से संबंधित है ये फीफा, तो ज्यूरिख में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी गति कोहनी के जोड़ के द्वारा संभव नहीं है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया भी था कि अब की बार जो प्रश्न आएंगे सीधा हिंज जॉइंट या पिवट जॉइंट या इनसे नहीं आएंगे, जोड़ों के अंदर गति आपसे पूछेगा, वही हुआ है। निम्न में से कौन सी गति कोहनी के जोड़ के द्वारा संभव नहीं है, तो घूर्णन जो है वो संभव नहीं है, यानी रोटेशन जो है वो कोहनी का जोड़ जो है वो नहीं कर सकता, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर सामान्यता होता है, देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है दबाव पड़ने पर हड्डियां टूट जाता है, तो कैल्शियम की कमी बुढ़ापे में हो जाती है, ज्यादा उम्र होने से हड्डियां जो है बुढ़ापे में स्ट्रेस पड़ने से टूट जाती है, तो बुढ़ों में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अध्यापक जो है वो इंटर्नशिप कार्यक्रम किस जगह उपलब्ध करवा रहा है, तो पूर्ण विद्यालय परिवेश में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पूर्ण विद्यालय परिवेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है, तो ध्यान रखें कहानी कहना महिलाओं और विद्यालयों के बच्चों में, तो अभी इसको हटा दें, वृद्ध लोगों में और ग्रामीण लोगों में, तो वृद्ध लोग जो है वो ग्रामीण भी हो सकते हैं शहरी भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी जो है वो आपको पता है आप जब भी गांव जाते थे दादा नानी नाना से कहानियां सुनते थे, तो ग्रामीण परिवेश यानी ग्रामीण लोगों में अभी भी कहानी का प्रचलन है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमें खड़ा होने बैठने बोलने और आंख झपकने का कार्य जो है वो कौन संभव कर रहा है, इसमें देखिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, कोशिका और उत्तक, अब इसमें आ रहा है तंत्रिका और मांसपेशियां, देखिए ये काम कर रही है मांसपेशियां और इसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है तंत्रिका, लेकिन मांसपेशियां अगर ना हो तो ये संभव नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मांसपेशियां। नेक्स्ट बात करते हैं अपने शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, यह परिभाषा किसने दी, जेबी नेस ने दी ये परिभाषा, ऑप्शन ए जेबी नेस। नेक्स्ट सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की, देखिए थोरनडाइक।
ये मनोविज्ञान के सॉरी मनोविज्ञान के प्रश्न जो हैं, सॉरी थॉर्नडाइक नहीं आएगा, वोल्फगंग कोहलर आएगा भाई, कोहलर आएगा भाई। तो ये मनोविज्ञान के जो प्रश्न है द्वितीय प्रश्न पत्र में ज्यादा अप्लाइड ना होकर के सीधा पूछा जाता है। हृदय पेशियां कहलाती है, देखिए पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। अब इसमें क्या होता है, बाहरी परत जो है वो पेरिकार्डियम होती है, मिडल लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम होती है, जो हृदय की पेशियां होती है, और पेशियों के अंदर का भाग जो है वो एंडोकार्डियम, सबसे अंदरूनी भाग। तो हृदय की पेशियां क्या कहलाती है, मायोकार्डियम कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहलाता है। एक ही विद्यालय की बात कर रहा है तो इंट्रामूरल, अगर बात करें बाहर से तो वो बोलता है एक्स्ट्रामूरल, तो ये अंतर विद्यालय बोल रहा है तो इंट्रामूरल। बस ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको भी जल्दी है कि अपने उत्तर क्या हैं उस पर जल्दी से अपने संशय जो है उसको दूर कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, मानवीय भूल हो सकती है, इन उत्तरों में त्रुटि रह सकती है, लेकिन आपकी भावनाओं को समझते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके सामने मैं हल प्रस्तुत कर रहा हूं इस प्रश्न पत्र का। शायद इससे पहले इतना जल्दी हल आपके सामने प्रश्न पत्र का नहीं हुआ होगा। आप सभी मुझसे जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं, कमेंट देखने का थोड़ा सा समय नहीं ले रहा मैं जल्दी से इसको हल करवाने के लिए। चलिए बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा, ये नामांकन से हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है, चयन से हो सकता है, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी द्वारा आपने क्या कर सकते हैं, नायकों का चयन कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा दे रही है, 9 किलो कैलोरी। बॉम्ब कैलोरीमीटर में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को इससे प्राप्त होती है लेबोरेटरी में जब अपने इसको टेस्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र संबंधित है, तो ये आ जाएगा गति के कौशल से, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी, गति के कौशल से। नेक्स्ट बात करें, प्रवेक्षण का प्राथमिक ध्यान होता है या ध्यान क्या देखना होता है, इसमें सीखने की स्थिति या रिकॉर्ड का रख रखाव या कार्यक्रम, द्वारा सुनिए प्रश्न को, प्रवेक्षण का प्राथमिक ध्यान, तो कार्यक्रम जो है उसके क्रियाकलाप या क्रियाकलाप कार्यक्रम जो है उसको देखना होता है भैया, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन B6 पाया जाता है, तो विटामिन B6 जो है वो मछली में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे लंबी एवं शक्तिशाली मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है, आपको पता है कि थाई की जो मांसपेशियां होती है, अपने जांग की जो मांसपेशियां जो होती है वहां पाई जाती है, तो ये लोअर लिम्ब है, यानी कि पैरों के हिसाब से बात कर रहा है लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब का मतलब हाथों के हिसाब से बात करें तो ये मांसपेशियां, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट बात करें, पीठ की अस्थि का दूसरा नाम है, देखिए इसमें तो क्या है कि ऑप्शन सारे ही भिन्नता लिए हुए हैं, तो इसमें वर्टिबल कॉलम जो है वो पीठ की अस्थि का दूसरा नाम है, बाकी सभी ऑप्शन जो है भिन्नता लिए हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन के हिसाब से सरल सा प्रश्न है। वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई, ध्यान रखें ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसी पेपर में, कब प्रयोग की गई और कब आधिकारिक रूप से प्रयोग की गई, दोनों में अंतर है। आधिकारिक रूप जो था वो 1936 का बर्लिन ओलंपिक आएगा आपका बी, उत्तर आ जाएगा बी। पट्टी को बांधने के लिए कौन सी गांठ का उपयोग करते हैं, तो पट्टी को यानी बैंडेज को बांधते समय जो है रीफ गांठ यानी कि ऑप्शन ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, त्रिकोण गांठ जो होती है। उसके बाद में बात करते हैं, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन जो है
29 अगस्त 1905 किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब से शुरू हुआ? 1995 से। ध्यान रखें, ध्यानचंद का जन्मदिन ऑप्शन हो जाएगा ए। 63 रह गया है, 63 रह गया है, चेक कर लेते हैं। हो गया, 63 जो है हो गया है। देखिए, शिक्षण की अनुकरण विधि किसके शिक्षण के लिए सबसे लाभदायक है या उचित होगी? देखिए, बच्चे जो है वो अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं, तो किशोर, वयस्क, महिला, इसमें से आएगा बालक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67, अध्यापन विधियां इसके लिए होती है, तो अध्यापन विधियां जो है समझाने में सुधार के लिए होती है भैया, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट बात करें, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मन पर नियंत्रण जो है वो योग का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा होता है? देखिए, यहां पर गैर सरकारी निकायों द्वारा या नवयुवकों द्वारा ये तो ऑप्शन बनते नहीं है, शिक्षण संस्थाओं में चलता है NSS, आपको पता है। दूसरा आता है सरकारी निकायों के द्वारा, लेकिन जरूरी नहीं है, शिक्षण संस्थाएं चाहे प्राइवेट हो उनमें भी NSS चलता है, तो यहां पर NSS जो है वो आ जाएगा शिक्षण संस्थाओं द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, वॉलीबॉल पुरुष नेट की ऊंचाई होती है, देखिए 2.43 पुरुष के लिए, 2.24 महिला के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए, देखिए शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए, तो सीखने की स्थिति में सुधार करना ही पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन है, ठीक है भैया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद में अपने बात करते हैं, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता वृद्ध स्तर पर निर्धारित होती है, देखिए भी ज्यादा लोग कब भाग लेंगे, जब वो खुद मोटिवेट होंगे, खुद अभिप्रेरित होंगे, यानी कि प्रेरणा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनेस है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, आंद्रे अगासी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्णय के समय एक निर्णायक में होना आवश्यक है, तो भैया निर्णय के समय आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना जो है बहुत आवश्यक है, कॉन्फिडेंस यानी आपको पेपर करते समय भी क्या होना चाहिए था, कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए था, खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए था। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज के निष्पादन का क्षेत्र है, तो देखिए ये 14x14 होता है, लेकिन ये कह रहा है निष्पादन का क्षेत्र, दो दो मीटर की गैलरी छोड़ते हुए आपको करना है 12x12, निष्पादन का क्षेत्र जो है वो डी, 12x12 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? देखिए आपको सिलेबस में बड़े बड़े अक्षरों में दिया हुआ है खेल सांस्कृतिक धरोहर, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो खेल जो है, ये प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में, पीटीआई भर्ती परीक्षा में, जितने भी पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है उन सब में रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है, खेल जो है वो अपनी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापक्रम सेंटीग्रेड में पूछे तो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फारेनहाइट होता है भैया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करें, प्राणायाम हमें किस आसन में बैठकर करने चाहिए? देखिए प्राणायाम जो है वो पद्मासन में बैठकर करने चाहिए, आपको पता है पद्मासन, यानी कि ए। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट है, देखिए उपास्थि, यानी कि यहां पर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखें, ट्रन कार्टिलेज,
कार्टिलेज जो है उपास्थि का मुड़ना, घुटने की संधि यानी नी अप डिसलोकेशन, थोड़ा सा इसे देखें, अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर, और ये आता है घुटने में दरार यानी कि, इसमें बेहतर ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको देखें, वैसे तो आपको पता है कि मोच जो है वो इसमें आता है कि सर्वाधिक जो है वो मोच आती है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से बेहतर ऑप्शन जो देखें वो होता है इसमें डी, उपास्थि का मुड़ना। नेक्स्ट बात करें एक मिनट भाई, मुझे लगता है हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, ओलंपिक आदर्श वाक्य में एलटीएस शब्द का अर्थ है, तो एलटीएस होता है हायर यानी कि उच्चतर, ऑप्शन आएगा सी, सीटीएस होता है फास्टर, और फोर्टीएस होता है आपका स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए ये पिछली भर्ती परीक्षा में 2013 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या, उसमें ऑप्शन 208 दे दिया था, डिलीट करना पड़ा था आरपीएससी को ये प्रश्न। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206, सभी को पता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्यू शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, ये क्यू शब्द जो है वो बिलियार्ड से है, सी, अपने सिलेबस में बिलियार्ड जो है वो अपने संबंधित नहीं है, अपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है ये। क्यू शब्द जो है वो बिलियार्ड से है, क्योंकि बिलियार्ड खेल जो है वो अपने सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती थी, देखिए किस काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती थी, नालंदा काल, 300 ईस्वी सन, नालंदा काल, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मोटापे के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार नहीं है, मोटापे के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार नहीं है, नहीं है शब्द का आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि शारीरिक क्रियाएं जो है वो मोटापे के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि आप जब शारीरिक गतिविधि या शारीरिक क्रियाएं करोगे तो आपको मोटापा नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत है, इसमें अभी संशय है बोर्ड पर कि आप बोर्ड जो है अपना उत्तर क्या दे, लेकिन मानव शरीर में लगभग 70 के बेहतर के प्रतिशत जो है वो पानी पाया जाता है, तो इसमें बेहतर आंसर मेरे हिसाब से तो बी रहेगा, ऑप्शन बी, 65 से 75%। इसको क्या है माना भी जा सकता है 75 से 85, वो बोर्ड पर है, अपना बेहतर आंसर जो है बी रहेगा, 65 से 75% जल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, युक्ति क्रिया है, तो युक्ति क्रिया क्या है, तो इसमें आता है गामक क्रिया या गामक योग्यता या गामक कौशल या गामक उपाय, तो ये गामक कौशल है भैया, मोटर स्किल है भैया युक्ति, ठीक है भाई, तो ये सी आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखिए कितना सरल प्रश्न, योग सूत्र के रचयिता है, योग सूत्र के रचयिता जो है महर्षि पंतजलि है, ठीक है, महर्षि पंतजलि ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पंतजलि यानी योग सूत्र ने आपको दो प्रश्न दिए हैं, एक आपको पूछा है योग सूत्र के अध्ययन या अध्याय जो है वो कर्म क्या है, और दूसरा पूछा इसके रचयिता कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ध्यान दो यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार 2002, तो ध्यानचंद पुरस्कार प्रारंभ किया गया 2002, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, संधियों का अध्ययन कहलाता है, संधियों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी, इंग्लिश में पढ़ें तो एंथ्रोलॉजी, हिंदी में पढ़ें तो ऑर्थोलॉजी जो है वो क्या कहलाता है, जोड़ों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है, तो आपको पता है शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन विधि जो है सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट हृदय संवहनीय कार्यों का मापन करता है, तो इसमें देखिए हावर्स स्टेप टेस्ट जो है वह आएगा, हावर्स स्टेप टेस्ट जो है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित कीजिए, तो ये जो सुमेलित कीजिए जो है
इसमें देखिए संक्रमण काल जो है, इस सबसे देखिए इसमें क्या है, तैयारी काल जो है इसकी, फेज फर्स्ट फेज सेकंड आ गया, प्रतियोगिता काल आ गया और संक्रमण काल आ गया। सबसे इसमें अगर आपने इसको अगर करना चाहें तो सबसे इजी ऑप्शन अगर आपको बनता है वो आता है कि संक्रमण काल। संक्रमण काल में आपको पता है कि पुनः शक्ति प्राप्त की जाती है, यानी कि आपको आराम दिया जाता है। तो देखिए संक्रमण काल पुनः प्राप्ति, यानी कि चौथे में दो नंबर। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो दो नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कौन सा वार्मिंग अप का सक्रिय प्रकार है। देखिए सक्रिय प्रकार पूछा है, यानी कि आप खुद उसमें शामिल होते हैं। तो सक्रिय प्रकार कैलिस्थेनिक व्यायाम, वे व्यायाम जो बिना उपकरण के या कम से कम उपकरण के साथ किए जाते हैं कैलिस्थेनिक व्यायाम कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक अच्छे लंबी दूरी के धावक के लिए किस प्रकार के पेशीय तंतु आवश्यक होते हैं। फाइबर्स की बात कर रहा है, कैसे फाइबर चाहिए मसल्स में, व्हाइट फाइबर चाहिए या रेड फाइबर चाहिए, यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर चाहिए या स्लो ट्विच फाइबर, ये बात कर रहा है लंबी धावक के लिए। तो आपको चाहिए स्लो ट्विच यानी कि मंद संपूर्ण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी इसमें देखते हैं कोई और प्रश्न बच गया हो। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 95, जीवित जीव प्राणी के कार्यों को जाना जाता है, ठीक है भैया। तो इसमें आता है आपका क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान जो है इसमें तो आपको जाना जाता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कि शरीर की रचनात्मक स्थिति। मानवीय शास्त्रीय विज्ञान इसमें नहीं आएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान नहीं आएगा, तो क्रिया विज्ञान यानी कि ऑप्शन आ गया सी। भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो है एनडीएस कब शुरू हुई, तो इसका ऑप्शन है भैया 1954 में, यानी कि बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, पतंजलि योग सूत्र का पहला अध्याय, ये देखिए योग सूत्र पतंजलि ने आपको दो प्रश्न दिए हैं, पहला अध्याय जो है इसका आता है समाधिपाद, ऑप्शन हो जाएगा भैया सी। नेक्स्ट बात करें, राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है, ये है भैया निशानेबाजी से। ध्यान रखें राही सरनोबत जो है वो है शूटिंग के, निशानेबाजी से। अब इसको छोटा करके लिख रहा हूं, ये है निशानेबाजी। तो ये प्रश्न जो है आपका पूरा पूरा संभावना है डिलीट होने का, ये प्रश्न आपका स्टार लगेगा, डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। माना जा सकता है तीरंदाजी और निशानेबाजी को एक काउंट कर ले, लेकिन होता नहीं है, आर्चरी और शूटिंग अलग अलग खेल है अपने आप में, ये प्रश्न पूरी पूरी संभावना है डिलीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किन्सोलॉजी की व्युत्पत्ति मूलक है, व्युत्पत्ति मूलक है, ये कह रहा है कि इसका मूल उत्पत्ति का स्रोत क्या है, किन्सोलॉजी का मूल उत्पत्ति का स्रोत क्या है। तो इसमें आएगा किन्सोलॉजी जो है जीवित प्राणियों का गति विज्ञान है। ध्यान रखें इसमें प्रश्न जो है मनुष्य से, अकेला मनुष्य से संबंधित नहीं है, जीवित प्राणियों का गति विज्ञान है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मांसपेशीय निर्माण व दुबला पतला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है, कहने का मतलब है किस चीज से आप क्या है अपने बॉडी को डेवलप कर सकते हो, किस व्यायाम से, तो शक्ति प्रशिक्षण से या भार प्रशिक्षण से या अंतराल या दबाव। तो आपको पता है वेट ट्रेनिंग जो होती है, यानी कि जिम में जो वेट ट्रेनिंग आप कर रहे होते हो, भार प्रशिक्षण, तो ये क्या होता है वेट ट्रेनिंग जो है ये आपका दुबला पतला शरीर जो है उसको उभारता है, निखार लाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है। विद्यालय के रिकॉर्ड रखना है, स्वास्थ्य के रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य शिक्षा, रोगों का नियंत्रण, स्वास्थ्य निरीक्षण, तो भैया आपने रोगों का नियंत्रण जो है वो विद्यालय में नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, इसका कार्य चिकित्सा विभाग का है भैया, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है, विश्व युद्ध के कारण किस साल ओलंपिक नहीं हो सके। आपको पता है 1916, 1940 और 1944,
तीनों ओलंपिक युद्ध के कारण नहीं हुए थे, ऑप्शन में 1944। तो आपको करना है भैया इसका आंसर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, ध्यान रखें गोल पोस्ट नहीं पूछ रहा है, ये गोल क्षेत्र पूछ रहा है। तो गोल क्षेत्र कितना होता है फुटबॉल मैदान का? 6 × 20 गज, 6 × 20 गज, यानी कि मीटर में अगर बात करें तो 5.50 × 18.32 मीटर जो गोल क्षेत्र होता है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 104, इनमें से कौन सा सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है? सामाजिक की बात कर रहा है, तो सामाजिक जो है समाज में क्या है, लोक नृत्य जो है सामाजिक रूप से परंपरा के रूप में अपने चला आ रहा है, तो ये सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है लोक नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या 105, शतरंज खेल की खोज कब हुई? तो शतरंज खेल की खोज आपको पता है वैदिक काल में हुई है, चतुरंग के नाम से, चेस के नाम से जाना जाता है, वैदिक काल में शतरंज की खोज हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ये देखिए मनोविज्ञान में एक प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम बुंड जो है 1879 जो आता है, लेकिन यहां पर भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है कार्ल डीएम ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट बात करें, फार्डलेग प्रशिक्षण कहलाता है, तो फार्डलेग जो है गेस्टा हेलमर ने दिया था, स्पीड प्ले कहलाता है, आपको पता है फार्डलेग जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट अपने अगर बात करें, शक्ति व गति योग्यता का संयोजन कहलाता है, गति के साथ अगर शक्ति लग जाती है तो विस्फोटक शक्ति कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, विस्फोटक शक्ति। नेक्स्ट अगर बात करें, जब 10 टीम नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में भाग लेती है तो फिक्सर खेले जाएंगे, यानी ये पूछ रहा है कि कितने राउंड होंगे, तो 2 की पावर 4 आएगी, 16 में सेट होगा भैया 10। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आएगा, 8 में तो सेट होने से रहा, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आएगा, 16। 16 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4 बार, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये आ जाएगा 4 राउंड 2 2 2 के हिसाब से, ठीक है भैया 4 राउंड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करें, जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ध्यान रखें गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है, चौड़ाई तो होती है 3 मीटर, ऊंचाई होती है 2 मीटर, ठीक है, तो जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई होती है भैया 2 मीटर, ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पूछ रहा है अपाकुंचन यानी कि प्रोट्रेक्शन और आकुंचन यानी कि रिट्रेक्शन कहां होता है? तो ये देखिए, एक तो होता है अपने ठोड़ी में, यानी कि ये जो कर रहे हैं अपने, या कंधे जो ऊपर नीचे ये जो कर रहे हैं, तो ये यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कंधे के जोड़ में, तो कंधे के जोड़ में ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गर्दन का जोड़ तो आया नहीं, तो जिसमें अगर अपने ये कर पाए तो कंधे का जोड़। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव है? भैया उठाने से कोई शिकार नहीं करता, अगर खुद जाग आएगी यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, अगर आप खुद अपने को जगाते हो तो बेहतर शिकार कर पाते हो, आंतरिक अभिप्रेरणा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये इसको नेक्स्ट करते हैं, 113 नंबर से शुरू करना है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक किसे कहा जाता है? जनरल जे के भोंसले जो है उनको कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद में आता है, निम्न में से कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है? तो योग आसन करना भैया मनोरंजन की क्रिया नहीं है। नेक्स्ट बात करें, पर्यवेक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने के विभिन्न कदमों के चरणों के सही संयोजन का पता लगाइए। तो इसमें क्या है, सही संयोजन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा
बोर्ड के हिसाब से कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसमें मेरे हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। आवाज स्पष्ट है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है? जी, नेक्स्ट बात कर रहे थे, मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है। प्रश्न संख्या 118, मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है। इसमें आएगा शरीर तथा मन का विकास, शरीर तथा मन का विकास ऑप्शन सी। उसके बाद में 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, तो ये होता है भैया माइक्रो चक्र, माइक्रो चक्र ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर बात करें, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव से, अनुभव के द्वारा सीखी जाती है, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती है, तो यह मनोविज्ञान का प्रश्न है। संज्ञानात्मक जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद में बात करें, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया? आपको पता है गोल्फ था और टेनिस था, तो यहां पर गोला फेंक, लंबी कूद और ये ऑप्शन काटते हैं, तो लॉन टेनिस बचता है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी। 1900 का जो ओलंपिक था, 1886 का जो ओलंपिक था, 1896 का जो ओलंपिक था, जो आधुनिक ओलंपिक प्रथम, उसमें तो केवल पुरुष के लिए आयोजित हुआ था। 1900 का जो ओलंपिक था उसमें महिलाओं को शामिल किया गया था गोल्फ में और लॉन टेनिस में। ठीक है भैया, तो यहां पर आ जाएगा लॉन टेनिस ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रश्न देखिए, किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह, यही है, चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न का क्रम आगे पीछे हुआ है। किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ था? अब यहां पर क्या है, एक प्रश्न पहले पूछा गया था, सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर मशाल का प्रारंभ तो 1936 बर्लिन था। अब ये पूछ रहा है आपको किस में आयोजन हुआ था, जलाई गई थी सर्वप्रथम 1928 के ओलंपिक में, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है भैया, नेक्स्ट आता है, खेल समाजशास्त्र का संबंध है, देखिए समाजशास्त्र समूह को लेकर के चलता है, तो समाजशास्त्र का संबंध जो है वो समूह से है, ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी किन्सियोलॉजी का, किसे किन्सियोलॉजी का पिता कहा जाता है? देखिए किन्सियोलॉजी का पिता है भैया अरस्तु, 300 ईसा पूर्व इन्होंने किन्सियोलॉजी का खोज किया था, तो ऑप्शन आ जाएगा यहां पर डी। उसके बाद में आता है, बर्फ द्वारा उपचार जो है वो क्रायोथेरेपी कहलाता है, ठंडी जल चिकित्सा क्रायोथेरेपी, ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं,
400 मीटर धवन पथ में स्टेगर देने का सूत्र क्या है? देखिए स्टेगर पूछा है, कहीं हाफ स्टेगर या फुल स्टेगर की चर्चा नहीं की। स्टेगर का जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ट्रैक रेस में द्वितीयक वायु दौर घटित होता है? देखिए सेकंड विंड की आवश्यकता अपने को लंबी गतिविधि में होती है, इनमें सबसे लंबी गतिविधि कौन सी है? 1500 मीटर, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान समय में चोट लगने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के किस सिद्धांत का उपयोग? पहले तो था भैया राइज विधि, वर्तमान में है प्राइस विधि, तो प्राइस विधि कहां पर है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है इलियाड व ओडेसी, आपको पता है अंधे कवि होमर की रचना है, होमरिक काल, पढ़ते हो यूनान के काल को चार भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न है, मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है? तो भैया आपको पता है किसी भी बीमारी के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है, तो व्यायाम जो है वो सर्वोत्तम दवा हो सकती है, ऑप्शन डी। अब फिर एक बार आपको बोल दूं कि ये जो उत्तर आपको बताए गए हैं बोर्ड की आंसर की आधिकारिक रूप से जो प्रकाशित होगी वही मान्य होगी, मेरे द्वारा आपको जो बेहतर आंसर है वो उपलब्ध करवाने की जो यथाशीघ्र प्रयास किया गया है। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में आपके चेक कर लेता हूं, स्टूडेंट कह रहे हैं 58 प्रश्न जो है उसको अपने छोड़ आए हैं, प्रश्न देख लेता हूं 58। हाँ एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है भैया, 58 प्रश्न देखते हैं। अच्छा 58 मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र संबंधित है। देखिए इसमें आएगा दृष्टिकोण, सॉरी भाई गति के कौशल या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बेहतर आंसर है, इसमें आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी। आप सभी का धन्यवाद, आपकी मेहनत जो है वो सार्थक हो और आपका परिणाम जो है वो बेहतर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आप में किसी भी प्रश्न के प्रति जिज्ञासा है, अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो कृपया कमेंट कर दीजिए, चेक कर लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, आप सभी का धन्यवाद। कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, किन किन विद्यार्थियों ने कितने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और इस संभावित आंसर की के अनुसार आपके कितने लगभग सही हो रहे हैं उसका भी आप कमेंट कर दीजिए। आप सभी